महंगाई पर कांग्रेस द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की गई हल्ला बोल रैली को लेकर सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इसे कांग्रेस का ड्रामा बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले महंगाई को लेकर संसद चलने नहीं दी, जब महंगाई पर चर्चा करने के लिए लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस को बुलाया तो कांग्रेस संसद से भाग गई। ये केवल जनता को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस का ड्रामा है। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जिले की विभिन्न परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करनाल में आयोजित कार्यक्रम में झज्जर के लघु सचिवालय के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। बाद में वे मीडिया से भी रूबरू हुए। यहां मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस कभी संसद में और कभी बाहर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। विपक्ष द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेहरे के रूप में पेश कर चुनाव लड़ने की संभावना के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा 350 का आंकड़ा पार करेगी। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा झज्जर जिला सहित प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किए जाने पर कहा कि करोड़ों रूपये की विकास परियोजनाओं का हरियाणा में शिलान्यास व लोकार्पण हुआ है। 2000 करोड़ रूपये से भी ज्यादा के इन प्रोजेक्ट में झज्जर जिले के हिस्से में भी 48 करोड़ से ज्यादा के 13 प्रोजेक्ट का शिलान्यास में उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति शक्ति योजना के तहत ही हरियाणा चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर। शोर मचाते हैं महंगाई के ऊपर, जब महंगाई पर संसद में चर्चा होती है, जो संसद में एक तो पहले संसद चलने नहीं दिया, किस बात पर नहीं चलने दिया, महंगाई पर। महंगाई पर पार्लियामेंट को कांग्रेस ने चलने नहीं दिया, और जब महंगाई पर चर्चा ही भारतीय जनता पार्टी कहती रही, हमारी सरकार कहती रही, मंत्री कहते रहे कि भाई आओ, स्पीकर साहब कहते रहे आओ महंगाई पर चर्चा करो। जब चर्चा की बारी आई, जब वो जवाब देने के लिए माने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जिसने बिल्कुल एक एक बात की परत खोली, जो किस तरह से महंगाई पर सरकार कंट्रोल कर रही है, किस किस चीज़ में महंगाई है, क्या क्या है, क्या क्या उसमें कारण है, उस जब महंगाई की जो परत खोलने लगे तो वो कहीं सांसद में नज़र भी नहीं आए। तो ये इनका ड्रामा है, ड्रामे को ये कहीं कभी किसी तरह से घुमा लेते हैं, कभी किसी तरह से घुमा लेते हैं। तो ड्रामा जो है चलने वाला नहीं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे तरीके से विकास के रास्ते पर प्रोग्रेस कर रहा है, और हर चीज़ पर धीरे धीरे करके हर चीज़ पर कंट्रोल। कोई खास बात नहीं है, तो रूटीन प्रति प्रोसेस है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कल अपना चेहरा देख लिया प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में 2024 के चुनाव में और बीजेपी को 50% सत्ता में देगा, उसमें तो सामने आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। देश को मोदी जी के नेतृत्व की ज़रूरत है, देश को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ज़रूरत है। आज देश चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात करते हैं कि अभी इतनी सीटों पर, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी 350 से भी ज़्यादा सीट लेगी आने वाले चुनाव। डॉक्टर साहब।